सवाईपुर कस्बे के निकट कांदा गांव के पास आज सुबह दिन दहाड़े चार अज्ञात नकाबपोश लुटेरों ने एक सराफा व्यापारी के साथ चाकू की नोक पर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जिले में कई स्थानों पर नाकाबंदी शुरू की। तिलक नगर भीलवाड़ा निवासी ओम प्रकाश पिता रतनलाल सोनी कांदा गांव में शुक्रवार और रविवार को सोने चांदी से बने आभूषणों की दुकान लगाता है और दिनों की तरह आज भी ओम प्रकाश सोनी चांदी से भरे आभूषणों का बैग लेकर कांदा गांव के लिए रवाना हुए। इस दौरान कांदा गांव में आधा किलोमीटर पहले कपेश पेपर फैक्ट्री व राजपुरा चौराहे के पास दो बाइक पर आई अज्ञात नकाबपोश लुटेरों ने ओम प्रकाश की गाड़ी को रुकवाया तो ओम प्रकाश ने जानकर होना समझकर गाड़ी रोक दी है। इसके साथ ही गाड़ी रोकते ही लुटेरों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया जिससे ओम प्रकाश के एक हाथ पर चोट लग गई। ओम प्रकाश नीचे गिर गया। लूट की सूचना मिलते ही आसपास के कई गांवों से ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए। वे ग्रामीणों ने बाइक से लुटेरों का पीछा किया। सूचना पर सदर थाना हेड कांस्टेबल केदारमल व रोहित कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जानकारी ली। सदर थाना पुलिस बदलिया थाना पुलिस व सवाईपुर चौक की पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आसपास के कई गाँव के मुख्य चौराहे पर नाकाबंदी कराई है। बिश्नोई हिंदू धर्म का एक व्यावहारिक